How goes it all? I hope you all are fine in this pandemic. So this is your friend Dinesh Saini and again I'm before you people. So दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है वह है इंग्लिश में अपन को कन्फ्यूज करने वाले सबसे ज़्यादा वर्ड्स की। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों वो अपन को दिखने में सेम लगते हैं, उनका मतलब अपन को सेम लगता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों उनका मतलब एकदम अलग होता है। सो आज का जो अपना पहला वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों वह है कस्टम, CUSTOM, कस्टम। कस्टम का मतलब होता है बच्चों रिवाज। कस्टम का मतलब क्या होता है? रिवाज। अगर इसके आगे लगा देते हैं अपन एस तो ये बन जाता है कस्टम्स, और इसका मतलब होता है दोस्तों कर। इसका मतलब क्या होता है? कर होता है, टैक्स होता है। और अगला जो वर्ड है दोस्तों वह है अपने पास कलर, COLOUR, कलर। कलर का मतलब होता है बच्चों रंग। कलर का मतलब क्या होता है? रंग होता है। अगर अपन लगा देते हैं इसके आगे एस तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये बन जाता है कलर्स। और कलर्स का मतलब होता है सेना का झंडा। कलर्स का मतलब क्या होता है? सेना का झंडा। आई लाइक द कलर्स ऑफ इंडियन आर्मी। आई लाइक द कलर्स ऑफ इंडियन आर्मी। और अगला वर्ड है दोस्तों वह है अपने पास पेन, PAIN, पेन। पेन का मतलब होता है दोस्तों दर्द। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द होता है। अगर इसके आगे अपन लगा देते हैं एस तो ये बन जाता है पेंस। और पेंस का मतलब होता है दोस्तों कोशिश। क्या मतलब होता है? कोशिश होता है दोस्तों। और अगला जो वर्ड है दोस्तों वह है अपने पास अब्यूज, ABUSE, अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है दोस्तों गाली निकालना। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली निकालना। अगर अपन इसके आगे लगा देते हैं एस तो ये बन जाता है अब्यूजेस। क्या बन जाता है? अब्यूजेस बन जाता है दोस्तों। और अब्यूजेस का मतलब होता है दोस्तों कुरीतियां। क्या मतलब होता है? कुरीतियां। क्या होता है दोस्तों? कुरीतियां होता है। और अगला जो वर्ड है दोस्तों वह हमारे पास है आयरन, IRON, आयरन। आयरन का मतलब होता है दोस्तों लोहा। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। लेकिन अगर इसके आगे लगा देते हैं अपन एस, इसके साथ अपन क्या लगाते थे एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आयरन्स बन जाता है दोस्तों। और आयरन्स का मतलब होता है जंजीर। आयरन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जंजीर होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वह अपने पास है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है दोस्तों जमीन। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। अगर अपन लगा देते हैं इसके साथ एस तो ये बन जाता है ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स का मतलब होता है दोस्तों कारण। ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है? कारण होता है, रीजन होता है। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है दोस्तों एक चौथाई भाग। क्या होता है? एक चौथाई भाग। किसी भी एक का चौथाई भाग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। अगर अपन इसके साथ लगा देते हैं एस तो ये बन जाता है क्वार्टर्स। और क्वार्टर्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मकान। क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? मकान होता है। और जो अगला शब्द है दोस्तों वह हमारे पास है मैनर, MANNER, मैनर। मैनर का मतलब होता है दोस्तों तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। अगर अपन इसके साथ लगा देते हैं एस तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? ये बन जाता है मैनर्स। क्या बन जाता है? मैनर्स। और मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार। मैनर्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यवहार होता है। अगला जो शब्द है दोस्तों वह है हमारे पास फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स का मतलब होता है दोस्तों ताकत। फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत होता है। अगर अपन इसके साथ लगा देते हैं एस तो ये क्या बन जाता है? फोर्सेस बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? फोर्सेस बन जाता है। और फोर्सेस का मतलब होता है दोस्तों सेनाएं। क्या होता है? फोर्सेस का मतलब सेनाएं होता है मेरे प्यारे बच्चों। और अगला जो शब्द है दोस्तों वह अपने पास है नंबर। क्या है? नंबर, NUMBER, नंबर। नंबर का मतलब होता है दोस्तों कोई संख्या। कोई संख्या को अपन क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अगर इसके साथ अपन लगा देते हैं दोस्तों एस तो ये बन जाता है नंबर्स। और नंबर्स का मतलब होता है कविताओं की मात्रा। क्या होता है? कविताओं का संग्रहण, कविताओं की मात्रा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कॉमेंट ऑन इट। एंड या इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो फार, यू आर सपोज टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।